Assalamualaikum all my friends, कैसे आप लोग? For sure good हो गया, आज वीकली मूवी देखेंगे। तो गाइस आज के थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा भाई, यहाँ पे स्पिन और लक के बारे में बात हो रही है और मेरे फेस रिवील के बारे में बात हो रही है। तो गाइस मेरा फेस रिवील जैसा हुआ ना, आपने बस देख के पानी के अंदर चले जाना है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड रहना एंड तक वीडियो के, क्योंकि कभी भी फेस रिवील हो सकता है। एंड गाइस वीडियो को जल्दी से पहले ही पहले लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड अब आप स्पिन इंजॉय करें। भाई फिर मैं मिथक निकल आया। चलो चलो भाई को दौरा पड़ता है भाई, बच के रहना है गाइस। ओके मास्टर है मेरा, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके कितने मिले? मुझे सिर्फ एक ही मिला, वेट दो। ओके माशाल्लाह सबर, अब मैं देखूं इसको दस चाहिए। हाँ जी ये बोल रहा था मैं, पर मुझे यार इनकी कम्मा ना ये। अच्छा ट्राई तो करो। मैंने किया, अब स्किप करो। अब स्किप करने का क्या फायदा? नहीं निकल रहा, अब आप करो भाई, मुझे तो डर ही लग रहा है। I'm scared. दिल की धड़कन दे रहे हैं भाई, नहीं चाहिए हेलमेट। मैंने क्या बोला था, वेस्ट मनी होगी। ये देख, ओ ओ ओ इसके पास बहुत मूवी है। किधर है? इधर वेस्ट ऑफ मनी। कौन सा मैं क्या बोला? अच्छा पूरा सर्कल पूरा रहेगा क्या? देखो ये सर्कल पूरा होना है, उससे क्या फायदा होगा? लक एक में शादी दिखा सर्कल कितनी, एक और मार दर्द से मार। अच्छा यानी पूरे सर्कल पे निकलता है। सिक्स, आई हैव सिक्स। कितना वेस्ट है ना। वेस्ट ऑफ है मुझे तो लगता है। अब जादू शुरू होगा, अब देखना। वो निकला है दूसरा, तीसरा भाई साहब कितने निकल आए यार। मैं ना बड़े अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो जाऊँ, फिर वो नज़र लग जाती है भाई कसम से। मैं तो अंदर ही अंदर बड़ा घूम रही थी भाई, क्या क्या कह रही थी, क्योंकि 10 लिटरली 10 हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा बाबा अब तो पक्का ही पक्का निकालना है।
भाई मेरा सांस रुक गया भाई, ये लो या ये लो। वैसे डस तो मुझे ऐसा था, ये मोड़ तो तुम बार बार नहीं कर सकते है ना। हाँ मैं कंफ्यूज थी तो मैंने अपनी टीममेट्स की हेल्प ली भाई। लेट मी कम, वो ग्लेशियर कह रही है, कह रही है बहुत कम लोगों के पास है ग्लेशियर। दूसरे वाले का बहुत प्यार है, इमोट दूसरे वाले का बहुत प्यारा है, पर ड्रेस जो है ना शादी भी हो गया। शादी भी हो गया क्योंकि इमोट कभी भी यूज करना था, ड्रेस तो ज्यादा पहनना था। हां इमोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इमोट तो आप ऐसे भी किसी के साथ भी कर सकती हो, यानी कि कोई भी टोपी भी आ गए सब बैठ के बना सकते हो। हां ड्रेस करो भाई, ड्रेस करो। आप ले लिया ड्रेस, दो ड्रेस निकल आए यार, कसम से की लक चली है। हाय 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 यार, मैं इमोट रिमोट कर रही थी भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। बाकी गाइस फॉर द स्पाइसी पार्ट अब आता है। ओके गाइस, तो आज आपने देखा मेरा प्रैंक हो गया आपके साथ ही इतना बड़ा वाला। तो इधर गाइस अब मैंने डिसाइड किया कि मैं फेस रिवील करूँगी, वैसे आप लोग बताओ कमेंट में फेस रिवील का। एनीवेज मैं फेस रिवील करने जा रही हूँ रियली सून। इट्स बिकॉज मैं ब्लॉगिंग की तरफ जा रही हूँ, और जैसे कि आप लोग बताए अब गेमिंग का ट्रेंड वो नहीं रहा जो पहले था, बिकॉज ऑफ लाइक यू नो COVID-19 की वजह से वो सब कुछ गेम्स वगैरह ऑनलाइन चीज़ें अब हो रही थी, अब फिज़िकल चीज़ें आ गई हैं अगेन बैक टू नॉर्मल। तो वो चले गए ज़माना कोरोना का। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं ब्लॉगिंग्स की तरफ जाऊँ, ब्लॉगिंग्स की तरफ। तो एज यू नो जब ब्लॉगिंग्स की तरफ जाते हैं तो आपका फेस रिवील होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिएक्शन वगैरह फेस एक्सप्रेशन वगैरह ज़रूरी है ब्लॉगिंग की तरफ। आप देखो जिस तरह अगर मैं फेस के साथ ब्लॉग करूँगी तो मैं यू नो सो बहुत दफ़ा टाइम होता है कि आपने खाना खाने के वक्त भी अपना फेस एक्सप्रेशन देना है कि आपको कैसा लगा वो खाना। तो यू नो उसमें भी अगर मैं मास्क के साथ पहन के यमी दूंगी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि फेस रिवील करना चाहिए सो दैट आप लोगों को भी पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या फेस एक्सप्रेशन दे रही हूँ। एनीवे बहुत सोच समझ कर मैंने वो, क्योंकि मुझे तो था ही नहीं कि ये आएगा इतना जल्दी, बट एज आ रहा है यू नो सून करना पड़ रहा है। तो क्योंकि ब्लॉग अब बहुत ज़्यादा मतलब जा रहा है तो मैंने कहा जाना चाहिए हमें। तो एनीवे गाइस ये रहा मेरा छोटा सा प्रैंक, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रैंक ये? एनीवे ये मेरा ही फेस है, ये जो छोटी पिक्चर है ये मैं ही हूँ। एंड अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ऐसे लाइक कर देना, शेयर भी जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।